पौड़ी में कई ग्रामीण सड़कें लंबे समय से खस्ता हाल होकर मरम्मत की राह देख रही हैं। खास बात तो ये है कि इन्हीं सड़कों से होकर जा रहा एक रास्ता सीएम त्रिवेंद्र रावत के ससुराल कांडाई गांव की ओर भी जाता है, लेकिन बावजूद इसके सड़क की मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। ये मोटर मार्ग पौड़ी सत्याखाल सड़क से लिंक होकर बैंचवाड़ी से चूंचा तक बनी है, लेकिन एक साल पहले ही बनी ये सड़क कुछ दिन भी सही से नहीं टिक पाई, जिससे कि सड़क निर्माण कार्य और गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ये है कि स्थानीय विभाग सड़क पर गिरे पेड़ को तक हटाने की जहमत नहीं उठा पा रहा और न ही सड़कों में पड़े गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, जिससे आए दिन ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक मुकेश कोरी का ये कहना है कि जल्द ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जब से ये सड़क बनी है उसके ठीक एक डेढ़ साल बाद जो है इस सड़क में कितने गड्ढे पड़ गए और इसके निर्माण कार्य का अंदाज आप लगा सकते हैं किस प्रकार का निर्माण यहाँ पे हुआ होगा, और यहाँ पे 24 घंटे जो है खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई ट्रेजरी घर सकती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड फेज शुरू हो रहा है और हमने कम से कम मैंने 60 रोडों का प्रस्ताव चीफ पीएमसीवाई को दिया है, उसमें से ये रोड भी है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा से उत्तराखंड पर रहा है, उनका लगाव उत्तराखंड के प्रति रहा है, निश्चित तौर पर ये तमाम सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज में सम्मिलित होंगी और इन सब रोडों का डेवलपमेंट होगा।